सभी को जय माता दी। साथियों, अगर आप माता वैष्णो देवी के दर्शन की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जिनको आप अपने घर से करके जाएंगे, आप ऑनलाइन बुकिंग करके जाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। दर्शन करने के लिए आप सभी के पास RFID कार्ड होना चाहिए। आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि RFID कार्ड ऑनलाइन बुक किस तरीके से कर सकते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। जब आप कटरा बस स्टैंड पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर आपको यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर मिलेगा। आप इसमें चले जाएंगे तो अंदर एक हॉल में बहुत सारी लाइन लगी होंगी। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करके जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे, यहीं आकर आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो यहाँ पर देखिए, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत लंबी लाइनें लगी हुई हैं। आपको काउंटर पर रजिस्ट्रेशन स्लिप देनी है और वो आपको RFID कार्ड जारी कर देंगे। देखिए, ये रजिस्ट्रेशन स्लिप है, ये आप काउंटर पर देंगे तो ये इसके अनुसार आपको RFID कार्ड जारी हो जाएगा। इसको आप ले लेंगे और अपनी यात्रा शुरू कर देंगे। बोलिए जय माता दी। अब देखिए, रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन वेबसाइट है, यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर आप ऑनलाइन सर्विसेज में जाएंगे, यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ आपको एक चेकबॉक्स मिलेगा, इस पर आप टिक करेंगे, एक्सेप्ट ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से आपको यूजर नेम और पासवर्ड टाइप करना है। अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए आपको साइन अप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आपको डिवोटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा। आप इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भर देंगे तो आपके लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको ये फॉर्म भरने के बाद नीचे रजिस्टर ऑप्शन दिया है, उस पर आप क्लिक करेंगे। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फिर से आप ऑनलाइन सर्विसेज ऑप्शन पर जाएंगे, चेकबॉक्स पर टिक करेंगे, एक्सेप्ट ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड टाइप करेंगे और लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए, जब लॉगिन हो जाएगा तो आपको यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए, ये सारी सर्विसेज आपको मिलेंगी, यात्रा पर्ची, आरती दर्शन, हेलीकॉप्टर बुकिंग, रूम बुकिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रूम बुकिंग किस तरीके से करेंगे। आप रूम बुकिंग ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखिए, चेक इन और चेकआउट का जो समय रहता है वो 10 बजे का रहता है। यहाँ से आप रिजर्वेशन डेट सेलेक्ट करेंगे और आप देखिए 2 महीने तक की एडवांस बुकिंग कर सकते हैं। रिजर्वेशन डेट आप सेलेक्ट कर लेंगे, रूम कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर देखिए, रूम और डोरमेट्री, डोरमेट्री में आपको पर बेड के हिसाब से चार्ज देना होता है। अब यहाँ पर से आप डेट सेलेक्ट कर लेंगे जिस डेट को आपको बुकिंग करनी है और रूम सेलेक्ट कर लिया, गेट अवेलेबिलिटी ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। तो देखिए, जो रूम्स अवेलेबल रहेंगे वो आपको बुक नाउ ऑप्शन में दिखेंगे। अब आप बुक नाउ ऑप्शन पर क्लिक करके रूम बुक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जो लोकेशन रहेगी जम्मू, कटरा, अर्धकुंवारी, इन चारों लोकेशन पर आप रूम्स और डोरमेट्री बुक कर सकते हैं। तो यहाँ से आप मैक्सिमम 5 लोगों के लिए बुक कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपको क्या करना है, ये 4 लोकेशन हैं, इनमें से आप जिस लोकेशन पर भी बुकिंग करना चाह रहे हैं वहाँ पर आप बुक नाउ ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। देखिए, AC डोरमेट्री चार्ज 200 रुपये पर बेड, नॉन AC डोरमेट्री चार्ज 150 रुपये पर बेड के हिसाब से आपको लगेगा। यहाँ पर देखिए, अर्धकुंवारी पर आप बुक कर सकते हैं और भवन पर भी डोरमेट्री आप बुक कर सकते हैं अगर आप भवन पर स्टे करना चाहते हैं। अब देखिए, हेलीकॉप्टर बुकिंग किस तरीके से आप करेंगे। हेलीकॉप्टर बुकिंग ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखिए, रूट की अगर हम बात करें तो देखिए, बोथ साइड, जिसमें कटरा से सांझी छत और सांझी छत से कटरा, और वन साइडेड की बात करें तो कटरा टू सांझी छत। अब देखिए, सांझी छत टू कटरा। अब देखिए, हमने रूट सेलेक्ट कर लिया। नंबर ऑफ पैसेंजर में आप मैक्सिमम 5 लोगों के लिए बुकिंग कर सकते हैं। रिजर्वेशन डेट आप सेलेक्ट कर लेंगे, गेट अवेलेबिलिटी ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे तो जिस रूट पर जो फ्लाइट अवेलेबल रहेगी वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर रिटर्न टाइप में आप देखेंगे, अगर आप सेम डे रिटर्न करना चाह रहे हैं तो सेम डे का भी है, और अगर आप नेक्स्ट डे रिटर्न करना चाह रहे हैं तो नेक्स्ट डे का भी ऑप्शन आपको मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पर हमें 8:50 की एक हेलीकॉप्टर बुक दिख रहा है जिसमें 1 सीट अवेलेबल है। हमने इस पर बुक नाउ ऑप्शन पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर आपको पैसेंजर की डिटेल देनी होगी। पैसेंजर की डिटेल देने के बाद आप प्रोसीड टू बुक ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप अपना हेलीकॉप्टर बुक कर लेंगे। यहाँ पर जो चार्ज है वो रिटर्न में 3660 रुपये है पर पर्सन का चार्ज। यहाँ पर आप पैसेंजर की डिटेल देंगे, प्रोसीड टू बुक ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे, पेमेंट कर देंगे तो आपकी हेलीकॉप्टर की टिकट बुक हो जाएगी। तो आप इस तरीके से जो भी यहाँ पर कंडीशंस हैं उनको आप पढ़ लेंगे अच्छे से, उसके बाद ही आप अपने हेलीकॉप्टर की बुकिंग करें। अब बात आती है यात्रा स्लिप रजिस्ट्रेशन, जिससे कि आपको RFID कार्ड मिलेगा। आप एक बार में मैक्सिमम 5 लोगों के लिए बुक कर सकते हैं।
आप यात्रा डेट सेलेक्ट कर लेंगे, गेट अवेलेबिलिटी ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखिए स्लॉट्स आपको दिख जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए बुक नाउ ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। बुक नाउ ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप मैक्सिमम 5 लोगों के लिए एक बार में बुक कर सकते हैं। 5 पिलग्रिम की डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी और डिटेल देने के बाद आप प्रोसीड टू बुक ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आपकी यात्रा स्लिप बुक हो जाएगी, आपका RFID कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन में क्लिक करना है। यहाँ पर आप यात्रा पर्ची ट्रांजेक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपनी यात्रा पर्ची डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद इसको प्रिंट कर लेंगे और ये यात्रा पर्ची आपको यात्रा पर्ची काउंटर पर आपको देनी है। अब देखिए बैटरी कार बुकिंग आप किस तरीके से कर सकते हैं। बैटरी कार बुकिंग की सुविधा आपको अर्धकुंवारी से लेकर भवन तक मिलती है और भवन से अर्धकुंवारी तक के लिए मिलती है। अगर आप अर्धकुंवारी से भवन के लिए बैटरी कार से जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन बुकिंग के चक्कर में रहेंगे तो यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है, ऑफलाइन बुकिंग में आपको पॉसिबल नहीं है कि आपको मिल जाए, तो इसके लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग करके ही जाना है। अब देखिए अर्धकुंवारी टू भवन और भवन टू अर्धकुंवारी, ये दो रूट हैं। आप एक बार में मैक्सिमम 4 लोगों के लिए बुक कर सकते हैं। रिजर्वेशन डेट आप सेलेक्ट कर लेंगे, गेट अवेलेबिलिटी ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ से जो जिस भी टाइम स्लॉट अवेलेबल रहेगा वो आपको मिल जाएगा। देखिए ये 8 बजे से शुरू हो जाता है सुबह से। अब देखिए यहाँ पर 21 सीट अवेलेबल हैं, आपको बुक नाउ ऑप्शन पर क्लिक करना है। पिलग्रिम की आपको डिटेल देनी है तो यहाँ पर जो चार्ज रहेगा वो 354 रुपये पर पर्सन का चार्ज रहेगा। पैसेंजर की डिटेल आप दे देंगे तो यहाँ पर जो चार्ज रहेगा वो 354 रुपये पर पर्सन यहाँ पर चार्ज रहेगा। तो इस तरीके से आप बैटरी कार की बुकिंग भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसकी टिकट के लिए आपको सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन में जाना है। यहाँ पर देखिए ऑनलाइन बैटरी कार बुकिंग आपको दिखेगा, ट्रांजेक्शन उस पर आप क्लिक कर देंगे और यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।